हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ ले। ऑन 1 अक्टूबर 2009 राजन कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000। ऑन 1 अक्टूबर 2011 इट बाइज एडिशनल मशीनरी ₹10,000। ऑन 30 सेप्टेम्बर 2012 हाफ ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2009 इज सोल्ड फॉर 8,200। द कंपनी राइट्स ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। द अकाउंट आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। इसमें हमें 4 ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाना है। 1 अक्टूबर 2009 में मशीनरी परचेज की गई है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2009 1st अक्टूबर। अब आप क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 30 सितंबर को हाफ मशीनरी जो हमने 1 अक्टूबर को खरीदी थी, उसमें से हाफ मशीन हमने 30 सितंबर को बेच दिया है। तो यहाँ हमारा 1 अक्टूबर को 40,000 की मशीन थी, तो उसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे। टू बैंक लिख के हम इसे हम हाफ ऑफ यहीं से हम डिवाइड कर देंगे, 40,000 में 2 से डिवाइड कर देंगे। एक मशीन हो जाएगा हमारा 20,000 का एंड सेकंड 20,000 का। दो मशीन में हम उसको डिवाइड कर देंगे, 20,000 एंड 20,000, ये टोटल कर देंगे हम 40,000। 2010 31st मार्च बाई डेप्रिसिएशन, अलग अलग दोनों मशीन का हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ का हम इस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, हो जाएगा हमारा 1,000 एंड 1,000। 2000 हम बैलेंस कर ले बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट एंड सेकेंड। 20,000 माइनस 1,000 19,000 एंड 19,000 38,000। ये हो गया हमारा 1 ईयर का, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट ईयर करेंगे 2010 1st अप्रैल टू बैलेंस बीडी फर्स्ट एंड सेकंड 19,000 एंड 19,000। 2011 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ हमने 6 मंथ का निकाला है, यहाँ हम 1 ईयर का निकालेंगे। 20,000 पे 1 ईयर का 2,000 एंड 2,000 हो जाएगा 4,000 बाय बैलेंस फर्स्ट एंड सेकेंड 19,000 माइनस 2,000 17,000 एंड 17,000 टोटल कर लेंगे 34,000। ये हमारा 2 ईयर का कंप्लीट हो गया, और हमें 2 ईयर का और बनाना है। अब 2011 1st अप्रैल टू बैलेंस बीडी फर्स्ट एंड सेकंड 2011। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 अक्टूबर 2011 में एक और मशीन खरीदी गई है 10,000 की, तो हम उसकी भी एंट्री कर लेंगे। 1 अक्टूबर टू बैंक 10,000, डेप्रिसिएशन करेंगे 2012 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब हम 3 मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
इन दोनों मशीन का 1 ईयर पे हम निकालेंगे 2000, 20,000 का, तो 2000 एंड 2000 आ जाएगा। एंड थर्ड मशीन देखिए, 1 अक्टूबर को खरीदी गई है, 31 मार्च तक 6 मंथ पे हम निकालेंगे, कितना आएगा 500। तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया 4,500। अब हम बैलेंस कर लेंगे 2012 31 मार्च बाई बैलेंस CD फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 17,000 माइनस 2,000 15,000, 15,000 एंड 10,000 माइनस 500 9,500, टोटल कर लेंगे 39,500। ये भी हम टोटल कर लेंगे, अब हो जाएगा हमारा 44,000 एंड ये 44,000। 3 ईयर का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट ईयर, हमें 4 ईयर का बनाना है, तो हम लास्ट ईयर फोर्थ ईयर का बनाएंगे। पहले ये बैलेंस हम इधर उतार लेंगे 2012 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस BD फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 15,000 15,000 एंड 15,000, अरे सॉरी 9,500। अब देखिए 2012 में ऑन 30th सितंबर 2012 हाफ ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1st अक्टूबर, तो 1st अक्टूबर को मशीन जो खरीदी गई थी उसमें से हाफ मशीन 8,200 में बिकी, तो हमने यही फर्स्ट एंट्री में ही हमने हाफ ऑफ मशीन को कर लिया। तो हम अब आराम से यहाँ पे हाफ जो 20,000 की मशीन थी उसको उसको हम सोल्ड कर देंगे। तो पहले आप अगर यहाँ स्टेप सही कर लेंगे तो आपको सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 2012 30th सितंबर बाय मशीन बिकी है 8,200 में, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक 8,200 बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम सिंपल सिंपली 20,000 पे निकाल देंगे, 20,000 इंटू मशीन कितने मंथ यूज हुई है, 6 मंथ मशीन यूज हुई है, तो 20,000 इंटू 6/12 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा हमारा 1,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ हम अब इन दोनों को ऐड करके 15,000 में से माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9,200। 15,000 माइनस 9,200 इज इक्वल टू 5,800। हमारे यहाँ आंसर आ गया 5,800। आप बुक में आंसर मैच कर ले। अब हम दो मशीन हमारी बची है, तो उसका हम डेप्रिसिएशन एंड बैलेंस कर लेंगे बाई, यहाँ हम लिख लेंगे 31st मार्च 2013 बाई डेप्रिसिएशन सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट मशीन तो बिक गई, सेकेंड मशीन एंड थर्ड मशीन। सेकेंड मशीन का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 ईयर का 2,000 आएगा, एंड थर्ड मशीन का 1 ईयर का हम निकालेंगे तो आएगा 1,000, टोटल जाएगा 3,000 बैलेंस बाई बैलेंस CD सेकेंड एंड थर्ड 15,000 माइनस 2,000 13,000 एंड 9,500 माइनस 1,000 8,500, टोटल कर लेंगे 21,500। ये वाला भी हमारा आंसर मैच कर गया 39,500 एंड 39,500। स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ 2 मशीनें खरीदी गई हैं, बट हम सॉल्यूशन में 3 मशीन की एंट्री करेंगे, क्योंकि जो हमने फर्स्ट मशीन 2009 फर्स्ट अक्टूबर को खरीदी थी हमने, उसमें से हाफ मशीन को हमने सोल्ड किया है, तो स्टार्टिंग में ही हम उसको हाफ ऑफ कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाएगा। नहीं तो
अगर एक साथ यहाँ 40,000 लिखेंगे तो सॉल्यूशन बहुत टफ हो जाएगा और गलत भी हो सकता है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे हमारा ऐसे सॉल्यूशन सही होगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।